किसानों से लोन पर ब्याज वसूलने के मामले में कांग्रेस ने विधानसभा में आज हंगामा किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार एक तरफ किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने की घोषणा करती है और दूसरी तरफ सहकारी बैंकों ने उससे ब्याज वसूलने का नोटिस जारी किया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की थी, जिस पर अध्यक्ष ने ध्यान आकर्षण सूचना देने की बात की, जिस पर कांग्रेस विधायक नाराज हो गए और उन्होंने आसंदी के सामने नारेबाजी की। इस संबंध में कांग्रेस विधायक संजय पाठक ने विधानसभा परिसर में मीडिया को बताया कि सहकारी बैंकों ने लोन लेने वाले किसानों को नोटिस दिया है कि 15 मार्च तक राशि जमा करें, नहीं तो 12% ब्याज वसूला जाएगा। अगर किसानों ने जो पैसा उठाया 4 महीने पहले 15 मार्च तक नहीं पटाया तो 12% ब्याज के साथ प्रथम दिन से 4 महीने का 12% ब्याज लगेगा। और जो ये माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक बोनस दे रही 150 रुपए प्रति क्विंटल, तो 150 रुपए प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ जहां बोनस देती है, वहीं दूसरी तरफ प्रति क्विंटल 135 रुपए मंडी टैक्स के रूप में वसूल रही किसानों से। तो एक्चुअल में जो बोनस अगर शासन ने दिया कला है तो मात्र 15 रुपए। और बड़े बड़े होर्डिंग और फ्लैक्स लगाते हैं शिवराज सिंह कि हम 150 रुपए बोनस दे रहे हैं, जबकि हकीकत में बोनस मात्र 15 रुपए पड़ रहा है। इस मामले में कृषि मंत्री रामकृष्ण गोस्वामीया का कहना है कि मुख्यमंत्री से बातचीत चल रही है, जल्द ही समस्या का हल निकल जाएगा। किसान को कैसे में फायदा मिलेगा, उस तरीके को हम लागू करेंगे, हमारी सरकार लागू करेगी, किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन मार्च के बाद जो पैसा जमा करेंगे किसान, उन पे 1 दिन से 12% ब्याज देगा, वो क्या सही है गलत है? नहीं, अभी तो इसके ऊपर बात चल रही ना सीएम साहब से। 15 मार्च को एक दिन ही शेष है और अब तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। अब देखना है कि सरकार किसानों के हित में क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, MSTV न्यूज़ भोपाल।